आपने चोरों के तो कई कारनामे सुने होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे अनोखे चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मंदिर में दान पेटी चुराने पहुंचा तो पहले उसने देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इसके बाद फिर बड़ी सावधानी के साथ दान पेटी को उठाकर ले गया। यह पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई है। यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। जानकारी के अनुसार जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के सूखा गांव में लक्ष्मी मंदिर है। इस मंदिर का ताला तोड़कर एक चोर घुस गया। मंदिर में घुसने के बाद चोर जैसे ही माता की मूर्ति के सामने पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। चोर हाथ जोड़े मंदिर में खड़ा रहा। इसके बाद पास में रखे दान पात्र को बेहद सावधानी के साथ उठाकर बाहर ले गया। यह घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है। इस घटना का वीडियो 2 दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चोर में मंदिर से 3 दान पेटियों के अलावे 2 घंटे और पूजा करने वाले बर्तन पार कर दिए। यह पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई है। चोरी से पहले मंदिर में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने का वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस घटना का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। चोर की पूरी करतूत मंदिर में लगे CCTV में कैद है। इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यह भी साफ नहीं हुआ है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं। हाथ देखो अच्छे से, हाथ देखो अच्छे से।